पवन भामरी संकेत मॉर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड अरबी। फ्राइड अरबी जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्राइड अरबी। उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। जब आप मार्केट से अरबी लेने जाएं तो आप ये गोल अरबी लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लंबी अरबी लेंगे तो वो गलती नहीं है और वो बनने में अच्छी भी नहीं होती। तो अब हम मैंने ये अरबी को, 1 किलो अरबी को पानी एक विसल डाल के कुकर में उबाल लिया है और इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको छीलते हैं। इसका आप ऐसे छिलका, ये ऊपर का छिलका उतार दीजिए जो इसके ऊपर है डार्क कलर का, और बाकी वाइट वाइट पार्ट रहने दीजिए। इस तरीके से हमें सारी अरबी छीलनी है। अब हम सारी अरबी इसी तरीके से छील लेंगे। हमने सारी अरबी छील ली है। अब हम इनको देखिए इस तरीके से हाथ के बीच में रख के और इसको ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, बहुत तेज से नहीं, ये टूटे ना। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करेंगे और इनको रखते जाएंगे। एक बार मैं और करके दिखाती हूँ आपको। आप हाथ में रखिए और उसको हल्के हाथ से दबा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको दबा के, प्रेस करके दबा। तो देखिए हमने पूरी अरबी को दबा के प्रेस करके रख लिया है। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए डीप फ्राई करते हैं और थोड़ा तेल को गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें अरबी डालते हैं। इसको आप थोड़ी देर हिलाएंगे नहीं, अदरवाइज ये टूट जाएंगी। इनको थोड़ा देर फ्राई होने दीजिए एक साइड से। जब हल्की ब्राउन हो जाए तब इनको आप चेंज करिए दूसरी तरफ। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए हमारी अब ये अरबी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकालते हैं। बिल्कुल फ्राई हो गई है। हम ये और बाकी की अरबी भी इसी तरीके से फ्राई करें। तो चलिए अब हम अरबी का मसाला बनाते हैं। मैंने गैस जला दी है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। इसमें मैंने 2 सर्विंग स्पून तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन को आप हाथ से क्रश करके डालिएगा तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अजवाइन से डाल दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं। अब इन दोनों को हम थोड़ा भुनने देते हैं। अजवाइन हमारी भुन गई है। अब इसमें हम
ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा था हरी मिर्च लहसुन और अदरक का, ये डालते हैं। इसको 2 मिनट हम भूनते हैं ताकि हमारे लहसुन अदरक का कच्चापन सारा निकल जाए। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने देना है। हमने घी कम डाला है क्योंकि हमारी अरबी भी फ्राइड है, अगर ज़्यादा घी डालेंगे तो अरबी में बहुत घी हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन भून करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं भूनेंगे। थोड़े प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे, ये हम तेज गैस पे भून रहे हैं अभी। प्याज को हमने तेज गैस रखी है भूनने के लिए। जब आप प्याज डालें तो इसमें आप नमक डाल दीजिए, नमक से प्याज जल्दी भूनता है। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच खटाई। इन सब को डाल के हम मिला लेते हैं अच्छे से। 2 मिनट मसालों को भूनेंगे। 2 मिनट मसालों को अच्छे से भून लीजिए। हमारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर डालते हैं। अब हम इसको हल्की गैस पे 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको खोल के देखते हैं। अगर हमारे टमाटर गल रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको थोड़ी देर उसको और रखना पड़ेगा। टमाटर ऑलरेडी गल चुके हैं, देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको बीच में खोल खोल के हिला दिया था ताकि ये नीचे लगे नहीं, और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं हमारे, मैश हो गए हैं बिल्कुल प्याज के अंदर। अब हम इसमें ये अरबी फ्राई करी हुई डालते हैं। अब हम इसको हिला के 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाले अरबी के अंदर तक चले जाएं।
ही देखिए। अब हम इस आटे को 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो हल्की गैस पे 2 मिनट के लिए ढकेंगे, ताकि अरबी के अंदर जो मसाले हैं वो सारे मिक्स हो जाए। तो हमने इसमें थोड़ी सी देगी में कश्मीरी मिर्च डाल दी है, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 मिनट ताकि जो हमने गरम मसाला डाला है वो अभी में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी अरबी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, करते हैं बंद। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये अरबी, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए हमारी ये फ्राइड अरबी बन के तैयार हो गई है, आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। आप ये बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। आप ये पूरी कथा, पूरी परांठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत डिलीशियस है। इवन आप राइस के साथ भी इसको ले सकते हैं, दाल राइस एंड अरबी। आप ट्राई करिए और बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि आपने मेरी रेसिपी को लाइक किया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसको बनाइए, खाइए और बताइए आपको ये कैसी लगी। और अपने कमेंट्स माई सनकिस्ट मॉर्निंग में शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।